अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। टुडे व्हाट वी विल स्टडी रादर वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ क्वेश्चंस फ्रॉम कंपेटिटिव एग्जाम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स। And today in this lecture, we will solve the questions related to percentage. We will solve in a very simple and easy method. What is question number one? What is 10% of 750? What is 10% of 750? And the solution, 10% means 10%, 10 divided by 100. 10% means 10 divided by 100. And of means multiply. It means that 10 divided by 100 over 10 divided by 100 into 750. So 10% of 750 means 10 divided by 100 multiply 750. Now, 10 over 100 into 750. 0, 0 के साथ cross हो जाएगी, 750 की जो 0 है, और 100 की एक 0 इसके साथ cross हो जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 75। जो नेक्स्ट ज़ीरो है वो भी 100 की दूसरी ज़ीरो के साथ क्रॉस हो जाएगी, और हमारे पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो आएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ 35% ऑफ 75,500? 35% ऑफ 75,500। सॉल्यूशन, 35% means 35 divided by 100. 35% means 35 divided by 100, and of means multiply. So 35% of 75,500 means 35 divided by 100 into 75,500. Here 35 over 100 into 75,500, 20, 20 के साथ 100 की 20 और 75,500 की 20 हो गई, और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 35 into 755। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 26,425। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज 35% ऑफ 5,975? तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, 35% मीन्स 35 डिवाइड बाई 100। ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें कि 35% परसेंट जब भी लग के आएगा तो 35% पर मीन स्लैश पर डिवाइड बाय का साइन होता है स्लैश 35%, 35 पर 100, एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। सो 35% ऑफ 5,975 मीन्स 35 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 5,975। सो 35 डिवाइड बाय 100 इनटू 5,975। तो ये पाँच के टेबल से कटेंगे, 520 और 100 और 5,1195। देन फर्दर इसकी मजीद 20 जो है वो पाँच से करेंगे, 5,4 20 एंड 5,7 35। तो आंसर हमारे पास आएगा 2,091.25। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन आर्डर टू फाइंड 10% ऑफ एनी नंबर, ये अब एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है आपके लिए कि जब भी किसी इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हैं तो 10% के क्वेश्चन पूछते हैं कि लेट्स सपोज 200 का 10% कितना है या 350 का 10% कितना है, तो उस टाइम कैलकुलेशन करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो ये एक टिप है, इसे माइंड में रखें, आप बहुत जल्द जो है इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। इन ऑर्डर टू फाइंड 10% ऑफ एनी नंबर, सिंपली पुट अ पॉइंट बिफोर लास्ट नंबर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फाइंड 10% ऑफ 87,970। 87,970 का 10% अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो ये आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कहीं पेपर पे, लेकिन इसका ट्रिक समझिए। अभी सिंपली आपने क्या करना है, आपने पॉइंट लगा देना है। लेट्स सपोज ये फिगर है हमारे पास 87,970, तो लास्ट जो उसका नंबर है ज़ीरो, ज़ीरो से पहले पॉइंट लगा दें, यानी कि ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो। ये 88,797 रह गया, ये आपका 10% है। 8,797, ये 10%, 10% ऑफ 87,970 इज 8,797। सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी फिगर का, किसी भी अमाउंट का, बड़ी से बड़ी अमाउंट का अगर 10% पूछता है, आपने सिंपली क्या करना है, लास्ट जो उसका नंबर होगा उससे पहले पॉइंट लगा देना है, तो वो आपका 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ऑर्डर टू फाइंड 10% ऑफ अ नंबर, सिंपली पुट अ पॉइंट, फाइंड 10% ऑफ 900। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में सेम वही ट्रिक आपने अप्लाई करना है। 10% ऑफ 900, 900 सिंपली आपने पॉइंट लगाया लास्ट लेटर से पहले, ये 10% आपका निकल आया। 10% 900 का क्या है, 90। हाउ टू फाइंड 5% ऑफ अ नंबर इन अ क्विक एंड ईजी वे। अच्छा, अगर आपने 5% किसी भी नंबर का 5% निकालना है, तो क्या करेंगे कि आप फर्स्ट 10% पॉइंट लगाने के बाद 10% आपके पास निकल आया, उस 10% को हाफ कर दें। फॉर एग्जाम्पल, 200 का 10% आपने निकाला, 20 आया, तो 5% आपने निकालना था, 20 को हाफ कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 उसका 5% होगा। इसी तरह 20% अगर निकालना है आपने किसी भी नंबर का, तो आप 10% निकालेंगे बहुत इजी, जैसे बताया आपको कि सिंपल एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाएंगे आप तो 10% आ गया, तो उसी 10% को आप डबल कर लेंगे तो 20%। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इजी ट्रिक है। सम परसेंटेज क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, व्हाट इज 79% ऑफ 19, व्हाट इज 79% ऑफ 19, व्हाट इज 45% ऑफ 43, एंड व्हाट इज 93% ऑफ 20। आपने ये तीनों क्वेश्चंस के जवाब जो हैं ये कमेंट सेक्शन में बताने हैं, इस इनके आंसर्स क्या हैं, फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखेंगे कि आप साथ कमेंट में ये भी बताया करें कि लेक्चर आपको समझ भी आ रही है कि नहीं, और इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सब्सक्राइब चैनल टॉर्च बियरर।